नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिबिन। हमने होटल रूम मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से कर सकता है, होटल रूम, कोई भी होटल रूम में रहने के लिए आया हुआ है उसका जो आईडी कार्ड वगैरह सेव करके रखना है और उसका जो डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है और उसके अलावा उसका जो रूम मैनेजमेंट कर सकता है, उसका कोई सर्विस दिया तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो ट्यूटोरियल में देंगे दोस्तों, यानी होटल रूम मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप देखिए दोस्तों, इसका जो आइकन आपको इस तरीके से दिखता है, सबसे ऊपर आपको इधर दिखाई देती है, इसको हमने डबल क्लिक करती है, डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ओपन करने के टाइम इस तरीके से एक विंडो आती है, इसमें एक ADMIN करके आपने डाल दिया, हमने डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी पासवर्ड डाल कर रखा हुआ है, 12345 करके आपने लॉगिन करिए इसको, यानी लॉगिन बटन में प्रेस करिए तो आपको इस तरीके से एक विंडो खोल के आती है। तो इसके सारे के सारे इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम ईजीएस्ट वे में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने होटल के इंफॉर्मेशन ऐड करना है इसके अंदर। सबसे पहले मास्टर एंट्री में जाकर के देखो, मास्टर एंट्री में होटल इन्फो करके आपको इधर मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले क्या है, आपको होटल का नाम डालिए आपने, फॉर एग्जांपल RAINTACH रेनडक होटल करके आपने डाल दिया, वाइक्यम, और कॉन्टैक्ट नंबर 8078311945, और ईमेल आईडी आप डाल दीजिए रेनडक स्टोर, आप अपने ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, ठीक है जी, rainduckstore@gmail.com, और GST नंबर है तो डालिए और नहीं है तो नहीं डालिए, GST नंबर नॉर्मली होटल को होती है, और आपने इसको अपना लोगो वगैरह है तो वो भी डाल दीजिए दोस्तों और सेव करिए। बस ये फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, आपको कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर इस तरीके से मिलने से सबसे पहले आप अपने होटल का नाम वगैरह डाल देंगे, ये प्रिलिमिनरी स्टेप है इसके अंदर। और इसके अंदर इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर एग्जांपल आपका जो होटल है आपको इधर डैशबोर्ड में आपको इधर खाली दिखता है, यानी कुछ डिटेल्स नहीं दे रहे क्योंकि कोई रूम ऐड नहीं किया, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर में आपको कितनी भी रूम होती है, फॉर एग्जांपल 1000 रूम होती है या 500 रूम होती है या 200 रूम होती है या 10 रूम होती है 15 रूम होती है, जो भी है, आप अपना रूम का सेवरल कैटेगरीज भी होती है, जैसा फॉर एग्जांपल सूट रूम्स होती है, जैसा फॉर एग्जांपल आपको सिंगल रूम होती है और डबल रूम होती है, या यानी वन डे के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से लक्जरी सूट होती है, समथिंग लाइक दैट। आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में आपको रूम्स अवेलेबल होती है बेसिकली, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर डालना पड़ती है। इसके लिए देखो इधर मास्टर एंट्री में आपने देखो होटल, देखिए इधर रूम टाइप आपने इधर डाली है दोस्तों, देखो रूम टाइप, फॉर एग्जाम्पल आप इधर डाल दिए सूट रूम, SUIT रूम, सूट रूम करके मैंने इधर डाल दिया, और दूसरा हम डाल देंगे न्यू करके, और DLUX रूम, ये सब मेन कैटेगरीज होगी, और डीलक्स रूम में 10-15 रूम होंगे, सूट रूम में 10-15 रूम होंगे, वो सब किस तरीके से ऐड करते जाते हैं मैं आपको वन बाय वन दिखा देती है, और कोई सिंगल रूम, SING सिंगल रूम, ये भी डाल दिया आपने, ठीक है ना, इस तरीके से अलग अलग क्लास का होती है वो आपने डाल के जाइए, और अपार्टमेंट टाइप रूम, और जो हॉल वगैरह में जो बेड वगैरह डालते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो इस तरीके से आपने रूम डाल सकते हैं। देखो आपने रूम ऐड किया तो भी इधर आया नहीं, रीज़न क्या है, वो रूम में नंबर क्रिएट करना होती है, होटल प्लान मास्टर, फॉर एग्जांपल प्लान कोड, कोई भी प्लान कोड होती है वो आपने इधर डाल दीजिएगा KERALA, और प्लान नेम आपने जो भी है आप डाल दीजिएगा, और सेव करिए, ठीक है ना, और इसको आपने इस तरीके से सेव करिए, देखिए, और इंडियन जैसा आपने वो भी डाल सकता है, ठीक है ना, आप फिर उसमें जा करके रूम क्रिएट करिए, देखिए रूम 101 करके आपने डाल दिया, और फॉर एग्जांपल सूट रूम में, और पैन कोड आपने उधर डाल दिया, रूम का चार्जेस समझ लीजिए 2500 रुपीज़ पर डे के लिए, मैक्सिमम कितना आदमी अलाउड है, फॉर एग्जांपल आपने मैंने 5+5 करके डाल दिया, जितना भी आपका अलाउड पीपल आपको इधर डाल सकता है, बाद में आपने इसको सेव करिए दोस्तों, सिंपल वे में आपको इसको रूम को क्रिएट हो गया। तो हमने एक बार रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश किया तो आपका सारे रूम इधर दिखाई दिए, मात्र एक ही रूम है आपको, देखो सूट रूम जो दिखाया वो उसमें मात्र एक रूम हमने ऐड किया हुआ है,
कितना भी कैटेगरी में कितना भी वैरायटी ऑफ रूम्स है उसमें सारे में आप अपने रूम्स ऐड कर सकते हैं कितना भी आपको चाहिए। तो हमने सबसे पहले और एक रूम आपको ऐड करके दिखा देते हैं। देखो मास्टर बेडरूम में जाके देखो रूम इधर आप देखिए, देखो 102 करके आपने डाल दिया और रूम टाइप आपने वही कौन सा जो सूट रूम में ही डाल दीजिए आपने, और केरला और उसको चार्ज से समझ लीजिए 2600 डाल दिया। आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने उस तरीके से डाला हुआ है। आप इसको देखिए दोस्तों, देखो मैंने इसको सेव किया, उसके बाद मैंने इसको क्लोज किया एक बार, उसको रिफ्रेश करते हैं, देखें दोनों रूम आ गए। यानी सूट रूम में आपने जो क्लिक करती है, जो सूट रूम है उसमें क्लिक करने से दोनों रूम आ गया। तो सिंगल रूम में क्लिक करने से ये सब काली है, यानी अपार्टमेंट रूम डीलक्स रूम काली है। फॉर एग्जांपल ये डीलक्स रूम में एक रूम ऐड करना किस तरीके से ऐड करेंगे, देखिए आप रूम में जाइए और इधर डीलक्स आपने सेलेक्ट करना, देखिए डीलक्स देखिए ना, और इसमें आपने 103 करके आपने डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें चार्जेस क्या है 2800 डाली आपने, और इसमें भी पाँच पीपल आपको अकोमोडेट कर सकता है, और इसको सेव करिए दोस्तों। तो आप क्या होंगे अभी डीलक्स में जो डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली देखिए डीलक्स में मैंने क्लिक किया, डीलक्स में आ चुका है ये जो रूम, यानी सूट रूम में कितना रूम है देखिए दो रूम है, और डीलक्स में मात्र एक ही रूम ऐड किया हुआ है। और सूट रूम में हमने और एक रूम ऐड करके दिखा देते हैं आपको, यानी सिंपल वे में आप देखिए दोस्तों, डीलक्स में गया देखिए जो सूट रूम में गया और 104 रूम नंबर है, और आपने देखो इसका रूम रेंट जो है वो 2500 ही रखी है, और इसको 5 मेंबर्स का रखा हुआ मैंने, और इसको सेव कर दिया दोस्तों। देखो सक्सेसफुली सेव हो चुका है, और सूट रूम में क्लिक करके देखो इधर करंटली तीन रूम हो चुका है, यानी ये जो सूट रूम में आपने क्लिक किया इसमें तीन रूम बन गया। तो और डीलक्स में एक ही रूम है, डीलक्स में जाए तो और कितना भी और सारे यानी अपार्टमेंट रूम में कितना भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल रूम में एक ऐड करके दिखाऊं आपको, मास्टर बेडरूम में जाइए, देखो रूम टाइप में जाइए और इधर देखिए आपने सिंगल रूम करके आपने सेलेक्ट करिए सिंगल रूम, आप उसको 105 करके रूम नंबर डाल दिया, और इसका आपने 2500 रूम नंबर रखा, रूम रेंट रखा हुआ है, और तीन आदमी को लगा सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर, यानी और सिंगल में देखिए आपने ये देखो सिंगल में मैंने क्लिक किया तुरंत हो चुका है, यानी हाई स्पीड में आ जाती है, यानी देखिए ना दोस्तों। तो सूट रूम में फॉर एग्जांपल ये जो एक मतलब गेस्ट आपसे पूछ रहा कोई भी रूम वेकेंट है क्या, तो तुरंत का तुरंत देखो ग्रीन कलर जो दिखता है ना जी वो वेकेंट है। इसमें देखो ये जो ग्रीन कलर जो दिखता है सारे वेकेंट रूम्स है, और इसमें देखो सिंगल रूम में भी जितना भी जो दिखता है ये सब वेकेंट रूम्स है, डीलक्स में देखो ये सब वेकेंट रूम्स है। तो एक गेस्ट को सबसे पहले ऐड करना, फॉर एग्जांपल एक गेस्ट सबसे पहले आपके पास आया, उसके पास से कुछ आईडी कार्ड हमने लेना है, तो वो किस तरीके से एंट्री किया जाती है मैं वेरी सिंपल वे में आपको दिखा देती है। देखो इधर सबसे ऊपर आपको गेस्ट एंट्री बोल के दिखाई देती है, देखो गेस्ट एंट्री में फॉर एग्जाम्पल मधु करके आपने नाम डाल दीजिए उसका MADHU, और उसका जेंडर कौन सा है वो आप डालिए, मेल और फीमेल जो भी है, और रिलीजियन जो भी है आपने डाल दीजिए, और सारे रिलीजन इसमें डाल सकता है, और कंपनी कोई भी डाल सकता है, और उसका एड्रेस आपने पूछ के उसको डाल दीजिए, ठीक है ना, और सिटी कौन सा उसका वो भी डाल दीजिए, और उनका जो कंट्री है वो भी आपको सारे कंट्री इधर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और कॉन्टैक्ट नंबर उसको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपने इधर डाल दीजिए, और ईमेल आईडी उसको पूछिए और वो भी डाल दीजिए आपने, RR@ मैंने एग्जाम्पल के लिए जा रहा हूँ gmail.com, ठीक है जी, और आईडी टाइप कौन सा आपको सारे आईडी ऐड करने के लिए भी इधर फैसिलिटी दिया हुआ दोस्तों, यानी आईडी टाइप फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है या पैन कार्ड है जो भी है आपको एक आईडी नंबर इधर डाल सकता है, मैन्युअली भी एंटर कर सकता है, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह नोट्स वगैरह है तो नील है तो डालिए आपने नो प्रॉब्लम। और इसमें एक फैसिलिटी क्या है, आपने इधर वेबकैम कनेक्ट करने से यानी कैम कनेक्ट करने से डायरेक्ट आपने फोटो खींच सकता है, और कोई इमेज है तो इधर से ब्राउज करके भी ले सकता है, यानी डेस्कटॉप पे फॉर एग्जांपल मेरा खुद का इमेज डाल दिया मैंने, ठीक है ना, और इसको ऐड करने के लिए इधर ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, और उसको ऐड करिए आपने, और इसको देखो इधर सेव करने के लिए ऑप्शन, यानी पूरा डेटा ये गेस्ट का सेव हो चुका है, ठीक है ना, और सेव करने के बाद इसको क्लोज करिए, और चेक इन यानी जितना भी रूम आपको दिख रहा है ना जी, जो उसको पूछेंगे हमने कौन सा रूम आपको चाहिए, यानी उन्होंने बोला हमको सूट रूम में चाहिए और 104 रूम नंबर चाहिए एग्जांपल, या 102 जो भी है 104 हम लेते हैं सूट रूम में 104, उसमें क्लिक करते हैं तो गेस्ट का लिस्ट इधर सीधा आपको मिल जाती है कौन सा ये मधु, ठीक है जी, मधु जो गेस्ट है उसके पास कितना लोग आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक ही अकेला आया हुआ है, देखो इधर अकेला वो
आपने सेलेक्ट कर देना, मतलब एक ही सिंगल पर्सन आया हुआ है, उन्होंने कोई पेमेंट समझ 1000 रुपये चेक इन को प्रिंट देने के लिए भी ऑप्शन है, यानी उनका सारे नाम वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, सीधा सीधा डोर दे सकता है। और उसके बाद आपने इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ध्यान से देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मतलब ये जो रूम पेड है और बाकी जितना भी रूम है उसका कलर ग्रीन है, यानी जितनी भी रूम इसमें भर के जाती है नो प्रॉब्लम। तो जितना जितना रूम ऑक्यूपेड है उसका कलर अलग रहेंगे, जितना रूम काली है उसका ग्रीन कलर रहेंगे। तो इस तरीके से समाधान डाला हुआ दोस्तों ये जो यानी होटल रूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो इसके बाद फॉर एग्जांपल ये कस्टमर नेक्स्ट टाइम वेकेट करते हैं, वेकेट करने के टाइम सीधा इसी में क्लिक कर सकता है, देखिए इसी में क्लिक करने के सीधा चेकआउट फॉर्म में ही चला जाती है। और इसके बीच में जो रूम सर्विस वगैरह है वो मैंने दूसरा एक वीडियो में बना देते हैं, रूम सर्विस कोई भी अनदर फीसेस और कोई फूड वगैरह आपने दिया, इस तरीके से कोई सर्विस दिया सब कुछ आपको वो भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं। तो सीधा सीधा आपने जो भी अमाउंट बैलेंस है उसको मतलब पेमेंट ले सकता है। और उसको देखो चेकआउट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी चेकआउट होने के बाद वो जो रूम का मतलब ग्रीन हो गया, देखिए रिफ्रेश कर दिया, वो जो 104 रूम क्लीन हो चुका है यानी काली हो चुका है। उसके बाद डैशबोर्ड में जाके वो जो 104 अभी देखो सूट रूम जो है वो डर्टी है उसको क्लीन कर दिया आपने, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उसके बाद यानी डर्टी रूम क्लीन करने के लिए भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से वेरी ईजीएस्ट टू सिंपल वे में मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, होटल रूम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी जितना भी रूम है जो भी है आपको सारे के सारे कंट्रोल यहाँ ही मिल जाती है, दैट इज़ अ मेन थिंग। और इसमें जितना भी आपका नेक्स्ट सर्विसेज वगैरह होती है, जो लाउंड्री वगैरह सर्विस होती है, जब फूड वगैरह देती है हर एक रूम में, उसका भी जब चेकआउट करते हैं ना जो उसके साथ एक बिल भी प्रिंट आउट आती है, तो उसमें वो भी जोड़ के आ जाती है। तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बना के देती है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सॉफ्टवेयर का कोई भी इंक्वायरी वगैरह वगैरह है आप अपने कस्टमर केयर को कॉल कर सकता है 8078311945 और 8606093110। तो इस नंबर पे दोनों में आपने कॉल करिए दोस्तों, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।